इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, श्रीलंका टूर ऑफ इंग्लैंड 2021 तीसरा ओडीआई मुकाबला। अगर हम यहाँ पर श्रीलंका दौरे की बात करें तो अभी तक 5 मुकाबले खेले गए, मतलब 3 T20 मुकाबला, 2 ODI मुकाबला। श्रीलंका सारे मुकाबला हारा है, अभी तक खाता नहीं खुला। अगर हम यहाँ पर तीसरे ODI मुकाबले की बात करें तो पहला 2 ODI मुकाबला इंग्लैंड पहले ही अपने नाम कर चुका है, मतलब सीरीज अपने नाम कर चुका है। तीसरा ODI मुकाबला संडे 4 जुलाई इंडिया टाइम अनुसार 3:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं। यह मुकाबला खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल में। एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल, यहाँ की पिच रिपोर्ट क्या होने वाली, क्या आपको पता है कि आज के मुकाबले में कितना रन बन सकता है और जो स्कोर बनेगा क्या वो स्कोर चेंज होगा या फिर डिफेंड होगा। दोनों टीमों में ऐसी कौन सी टीम है जिनकी परफॉर्मेंस इस मैदान पर ज्यादा बेहतर होती है, मतलब जीत सकती हैं आज का मुकाबला, या फिर दोनों टीमों में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो आज के मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बना सकते हैं, सबसे ज्यादा विकेट निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप फंटेसी क्रिकेट खेलते हैं तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेयर मिल जाएंगे और साथ में आपको ड्रीम 11 की टीम बनाकर दूंगा भी। चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सोच क्या रहे हो यार, जल्दी जल्दी कर लीजिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब। और साथ में आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मेरे टेलीग्राम पर आपको सभी मैचों की मैच एंड टॉस प्रेडिक्शन मिल जाती है। इसके अलावा सभी मैचों की ड्रीम 11 की टीम भी मिल जाती है। मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको कमेंट बॉक्स में या फिर आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं अपसा प्रेडिक्शन हाउस। सबसे पहले हम देखते हैं रिकॉर्ड, काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल में जो अभी तक ODI मुकाबले खेले गए उन मुकाबलों में पिच का रिकॉर्ड क्या रहा है। यहां पर अभी तक ODI के 17 मुकाबले खेले गए जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 7 मुकाबला जीता है, बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 10 मुकाबला जीता है। एवरेज स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 242 रन, हाईएस्ट स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 369 रन 9 विकेट जो कि इंग्लैंड के नाम पर है। लोएस्ट स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 92 ऑल आउट जो कि जिम्बाब्वे के नाम पर है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें इस मैदान पर 200 के नीचे अभी तक 4 बार स्कोर बन चुका है, 200 से 249 के बीच में फर्स्ट इनिंग में 6 बार स्कोर बन चुका है, 250 से 299 के बीच में फर्स्ट इनिंग में 2 बार स्कोर बन चुका है, 300 या इससे ज्यादा फर्स्ट इनिंग में 5 बार स्कोर बन चुका है। अगर हम यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न देखें उसके बाद इस मैदान पर मैच की बात करें जो भी मुकाबले होते हैं मीडियम स्कोरिंग होते हैं, ना बहुत ही ज़्यादा स्कोर बनता है ना बहुत ही कम स्कोर बनता है, लेकिन जो भी स्कोर बनता है उस स्कोर में फाइट होती है। जैसा कि आपने देखा 17 मैच में से 7 मुकाबला पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती और 10 मुकाबला बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने जीती, तो मतलब कहीं ना कहीं इस मैदान पर जो मुकाबले होते हैं वो एक तरफा मुकाबले नहीं होते, दोनों टीमों के बीच में फाइट होती है। अगर हम यहाँ पर वेदर की बात करें तो संडे 4 जुलाई यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो 13 से 19 डिग्री सेल्सियस का रहने वाला। अगर बारिश की बात करें, रेन की बात करें, 90-90% चांस है इस मैदान पर बारिश हो सकती है। अगर इस मैदान पर बारिश होगी या नहीं होगी तो यहां का बिहेवियर कंडीशन क्या रहने वाला, चलो अब उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। अगर हम यहां की पिच की बात करें तो यहां का जो विकेट है वो ग्रॉस है, कंडीशन की बात करें तो बैटिंग कंडीशन है, हेल्प की बात करें तो फास्ट गेंदबाजों को इस मैदान पर ज्यादा मदद मिलती है। अगर इस मैदान पर बारिश हो जाएगी तेज गेंदबाजों को और भी ज्यादा मदद मिलेगी, फिर जो तेज गेंद बाद होंगे उनको स्विंग के साथ साथ बारिश होने के बाद एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलेगा। अगर बारिश नहीं होती तो सिर्फ यहां पर तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलेगा। टॉस की बात को जो भी टीम यहां पे टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करती नजर आएगी। बाउंड्री लेंथ की बात को 63 से 76 मीटर की, मतलब मीडियम बाउंड्री लेंथ है, ना बहुत ही ज्यादा बड़ी है ना बहुत ही ज्यादा छोटी है। टारगेट चेस की बात करें इस मैदान पर 252 से नीचे स्कोर बनेगा तो 10 में से 8 मुकाबले में टारगेट आराम से चेज हो जाएगा। टारगेट डिफेंड की बात करो 282 से ज्यादा स्कोर बनेगा 10 में से 8 मुकाबले में टारगेट बड़े आराम से डिफेंड किया जा सकता है। अगर हम इस मैदान पे हाईएस्ट टोटल चेज की बात करें 358 रन जिसे इंग्लैंड ने पाकिस्तान के सामने 2019 में किया था, लोवेस्ट टोटल डिफेंड की बात करते 182 रन जिसे न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के सामने 2008 में किया था। अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने इस मैदान पर अभी तक 12 ODI मुकाबले खेले हैं जिसमें से जीता है 6 मुकाबला, 5 मुकाबला हारा है, 1 मुकाबला नो रिजल्ट। अगर हम यहाँ पे इंग्लैंड की बात करें मतलब 50% मुकाबले जीतता है, 1 मुकाबला जीतता है, 1 मुकाबला हारता है। श्रीलंका की बात करें तो 3 मुकाबला खेला है, 2 मुकाबला हारा है, 1 मुकाबला नो रिजल्ट। अगर हम इस स्टेडियम की बात करें तो श्रीलंका इस मैदान पर अभी तक 1 भी मुकाबला नहीं जीत पाया। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका की बात करें तो इस मैदान पर 1 मुकाबला खेला गया और वो मुकाबला नो रिजल्ट रहा था। अब हम करते हैं यहाँ पे दोनों टीमों का फिर भी सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर टीम इंग्लैंड की। एवरीबॉडी हम इनकी बल्लेबाजी की बात करें जो इनकी बल्लेबाजी वो कितनी ज्यादा जबरदस्त है, कितनी ज्यादा कमाल की है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप
सब जानते हैं जो इंग्लैंड की बल्लेबाजी वो नंबर वन बल्लेबाजी लाइनअप है। अगर गेंदबाजी की बात करें तो इनकी गेंदबाजी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, हालांकि उनकी गेंदबाजी उतनी अच्छी है नहीं जोफ्रा आचर के ना होने के बाद। लेकिन श्रीलंका के सामने की बात करें तो श्रीलंका के सामने जो इनकी गेंदबाजी वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। अगर हम इस मुकाबले में चेंजेस की बात करें तो दो तीन चेंज हो सकते हैं या एक भी चेंज ना हो, क्योंकि जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं उन प्लेयर को इस मैच में मौका मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता, तो कुछ अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि चेंज होगा या नहीं होगा इंग्लैंड के खेमे में। वहीं अगर हम यहाँ पर श्रीलंका की बात करें जो इनकी बल्लेबाजी है, अभी तक 5 मुकाबले आकर खेल चुके हैं इंग्लैंड में, 3 T20 दो ओंडे, एक भी मैच में इनके बल्लेबाजों ने इंप्रेस नहीं किया, अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। कभी एक बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करता, बाकी के 5-6 बल्लेबाज फ्लॉप हो जाते, मतलब एक साथ एक टीम की तरह इनके बल्लेबाजों ने परफॉर्मेंस नहीं की, जिसकी वजह से नतीजा इनके सामने 5 के 5 मुकाबला हार गए। अगर मैं गेंदबाजों की बात करूं तो गेंदबाजी इनकी T20 में भी अच्छी थी, ODI में भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन इनके जो बल्लेबाज है इनका साथ नहीं दे पा रहे, इसलिए श्रीलंका अभी भी एक जीत के लिए तरस रहा है। अगर हम इस मुकाबले में चेंजेस की बात करें, श्रीलंका के खेमे में दो चेंज हो सकता है। पथुम निशांका की जगह पे उसाडा फर्मांडो, चरित असलांका की जगह पे धनंजय लक्सा, ये दो चेंज हो सकते हैं श्रीलंका के खेमे में। बाकी जो इनकी प्लेइंग 11 है बिल्कुल सेम रहने वाली है। अगर हम इस मुकाबले में बिन चांसेस की बात करें तो इंग्लैंड के इस मुकाबले में जीतने के चांसेस कम है, श्रीलंका के जीतने के चांसेस ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि इंग्लैंड बहुत ही कम क्लीन स्वीप करता है, श्रीलंका की बात को श्रीलंका जल्दी से क्लीन स्वीप होता नहीं है। अगर बात करें यहां पर इंग्लैंड के, तो इस मुकाबले में बेंच प्लेयर को मौका मिल सकता है और श्रीलंका इसी चीज का फायदा उठाकर इस मुकाबले को मतलब एटलीस्ट एक जीत अपने नाम कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मैं बात करूं तो इस मुकाबले में इंग्लैंड के जीतने के चांसेस कम है, श्रीलंका के जीतने के चांसेस ज्यादा है। चलो हम देखते हैं दोनों टीमों के ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो अपनी टीम के लिए हमेशा बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। इंग्लैंड की बात करें तो जॉनी बेयरस्टो 7 मैच में 403 रन बना चुके हैं, जैसन रॉय 6 मैच में 196 रन। वहीं श्रीलंका की बात करें तो वानेंडु हसरंगा 10 मैच में 341 रन, कुशल परेरा 7 मैच में 281 रन। गेंदबाजों की बात करें सैम करंस 6 मैच में 10 विकेट, क्रिस वोक्स 3 मैच में 9 विकेट। श्रीलंका की बात करें तो दुष्मंता चमीरा 7 मैच में 14 विकेट और वानेंडु हसरंगा 10 मैच में 9 विकेट। दोस्तों ये वो प्लेयर है जो अपनी टीम के लिए हमेशा बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। अगर आप फंटेसी क्रिकेट खेलते हैं तो आपके लिए प्लेयर बिल्कुल ही परफेक्ट हो सकते हैं। अगर हम इस मैदान पर बात करें कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होती है, जो रूट 4 मैच में 187 रन बना चुके हैं, जॉनी बेयरस्टो 3 मैच में 151 रन, मोइन अली 2 मैच में 148 रन। गेंदबाजों की बात करें तो आदिल लशी 3 मैच में 8 विकेट और क्रिस वोक्स 3 मैच में 7 विकेट। तो ये वो प्लेयर है जिनकी परफॉर्मेंस काउंटिंग राउंड ब्रिस्टल में काफी ज्यादा कमाल की होती है। अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं तो इनको भी अपनी फैंटेसी क्रिकेट के लिए देख सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे टेलीग्राम पर आपको सभी मैचों की ड्रीम 11 की बिल्कुल ही परफेक्ट टीम मिल जाती है। मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको कमेंट बॉक्स में, या फिर आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं अफसा प्रोडक्शन हाउस। एवरीबॉडी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दीजिए लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की पिच रिपोर्ट, मैच रिव्यू एंड फैंटेसी पिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।